अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डेरा गाजी खान के हलका NA-191 जो कि पुरानी हलका बंदियों के मुताबिक NA-172 था, जहां से 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम जीते। उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात में 49,142 वोट लिए, जबकि दूसरे नंबर पर सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी आए जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 39,361 वोट लिए। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल अखवंद आई, जिन्होंने 38,393 वोट लिए, जबकि मौजूदा सर्वे के मुताबिक दुनिया न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक इस हलके की सूरत हाल ये है कि TTI के यहाँ पर जीतने के चांसेस 71% हैं, जबकि नून लीग के यहाँ पर जीतने के चांसेस सिर्फ 18% हैं, जबकि दीगर पार्टीज़ के 11% हैं। हबीब अकरम के सर्वे से ये लगता है कि यहाँ पर PTI इस हलके में, डेरा गाजी खान के इस हलके में PTI काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, और आइंदा जरताज गुल का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। अब देखते हैं कि आवाम 2013 के इलेक्शन में किसे जिताती है। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। Turns to sun rays and on we'll go.